हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुभाष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ टर्न कर सकता है, कौन सा स्टॉक हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी अगर हम लोग मार्केट देखेंगे डेफिनेटली एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, विच इज गुड ऑल्सो, क्योंकि एनुअल टाइम में बड़ा मार्केट मिल सकता है। लेकिन इसमें इशू क्या होता है, जस्ट इमेजिन कि नहीं, यहाँ पे जो तीन 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 दिन लोग वेट किए होंगे, ये डायरेक्टली फ्राइडे गैप अप खुला, उसके बाद मोमेंटम हुआ, उसके बाद कंप्लीटली लास्ट दिवाली के बाद से मार्केट में बैंक निफ्टी में एटलीस्ट कहीं डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं हो रहा है। इंट्राडे में मोमेंटम है, नेक्स्ट डे फिर गैप अप खुल रहा है, ऑलमोस्ट 4-5 डे हो गया मार्केट निफ्टी एटलीस्ट गैप अप खुल रहा है, बैंक निफ्टी फ्लैट, कभी कभी गैप अप, इस तरीके का प्लान आउट हो रहा है। अभी अगर देखेंगे डेली चार्ट के अंदर कहीं नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना था, ये बहुत एरिया अच्छा था कि नहीं मार्केट को और थोड़ा सा नीचे आ जाने के लिए, लेकिन मार्केट यहां पर वेट किया। कल अगर नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली यहां पर हम लोगों का ये स्विंग देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि नहीं प्रीवियस डे का जो स्विंग बनाया होगा वो किस तरीके से ट्रेड करता है। लेकिन स्टिल अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश एरिया पे है, क्योंकि निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट तो प्लान नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, सेलिंग हम लोग डेफिनेटली करेंगे। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कल, बाइंग के लिए आप लोग 2 क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, सेलिंग के लिए 1 क्वांटिटी। मैंने भी आज खुद इनफैक्ट सेल किया था, क्योंकि टॉप में ही 5 PM में मिला होगा। 5 PM में जितने लोग ट्रेड कर रहे होंगे लास्ट 4 to 5 डेज में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दे रहे होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों को रिवर्सल में ट्रेड यहां पर, रिवर्सल में ट्रेड यहां पर ट्रेड मिल रहा होगा ऑलमोस्ट टॉप के आसपास। दैट मीन्स एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, लेकिन मार्केट अपर लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा अभी हम लोगों को कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि सेम रेंज के अंदर फिर से मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अगर हम लोग देखेंगे मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, फिर गैप अप खुला समय अराउंड यहाँ पे भी गैप अप था, यहाँ पे भी गैप अप था, एंड हम लोगों का मुरट ट्रेडिंग पे भी गैप अप खुला था। ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 डेज के हिसाब से कंटिन्यूसली मार्केट में गैप अप खुल रहा है, तो कल अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो कोई सरप्राइज नहीं होगा कि हाँ मार्केट अगर लेट्स इमेजिन करें 41,000 के आसपास या इसी लेवल के आसपास कहीं पर गैप डाउन खुलता है, विच इज ए गुड सिनेरियो, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बहुत टाइम तक 41,600-41,500 ये सारे रेस्ट किया। कल अगर थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो हम लोग को थोड़ा सा 41,000 फिर ये स्विंग 40,500 तक एक फिर से रेंज देखने के लिए मिल सकता है, एक या दो वीक यहाँ पे वेट कर सकता है, फिर मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। कल अगर मार्केट इसी लेवल पे बना रहा है, इमेजिन करो 41,400-41,600 इसी रेंज पे अगर बना रहा है, तो थर्सडे विल गोइंग टू बी ब्लास्ट डे, क्योंकि बहुत ही अच्छा हम लोग को टारगेट मिल सकता है हायर साइड, दैट मीन 42,000 तक भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसी रेंज के अंदर बना रहा है। और अगर यहाँ पे ही कल बना रहा है 41,300 से लेकर 600 के बीच में अगर कहीं पे भी क्लोज करता है कल, तो हम लोग के लिए फिर से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा, दैट टू गेन एक्सपायरी डे पे बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो कल देखते हैं किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है, तो हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए, फ्लैट खुला तो एग्रेसिवली शॉर्ट हमें प्लान नहीं करूंगा, इतने लोग ऑलरेडी शॉर्ट में होंगे, 41,500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना, सो दैट यहाँ पे इतने लोग शॉर्ट किए होंगे उन लोग को प्रॉफिटेबल रहा। अगर आप लोग समय अराउंड इसी लेवल के आसपास या फिर ब्रेकआउट के आसपास 41,400 के आसपास अगर आप शॉर्ट किए होंगे, तो 41,400 के आसपास ही आप लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो ट्रेल टाइटली करके रखना। कल अगर निकल जाता है वेल एंड गुड, अगर रिवर्सल आता है तो हम लोग को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, इतने लोग शॉर्ट किए होंगे, लेकिन 41,500-400 इसके ऊपर स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स फिर से बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। 400-500 इस रेंज के अंदर मैं समय अराउंड 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ये प्लान करूंगा कि नहीं 42,000 का हम लोग को टारगेट मिले। अगर मुझे कल 41,400-500 इसी रेंज के अंदर अगर मिलता है, 15 मिनट का कैंडल इसी रेंज में क्लोज होता है, तो फिर 200-250 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के मेरा प्लानिंग होगा 42,000 के आसपास मिलना चाहिए। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसी रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलते ही साथ थोड़ा सा टेल बना के फिर नीचे आ जाता है, या फिर इसी रेंज से कंटिन्यूसली नीचे जाता है, तब हम लोग फिर बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। फ्लैट खुलने के बाद 41,200 के नीचे अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तभी हम लोग प्लान करेंगे, और डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल जाता है तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी भी नेगेटिव बनना स्टार्ट करता है, तो हम लोग का टारगेट समय अराउंड 40,850 हो जाना चाहिए। कल गैप डाउन खुला, हम लोग वेट करेंगे कब थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ब्रेक करें, प्राइस एक्शन बनाए, तब हम लोग सेल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मार्केट में देखिए नीचे रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखो। एग्रेसिव तभी हम लोग होंगे जब ये सारे पॉइंट क्लियर होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये सारे अभी ऑप्शन सेलर के प्लेस है। 41,600 के ऊपर कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे एंड 41,000 के नीचे पुट शॉर्ट करके रखे होंगे, तो इसके नीचे जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक बड़ा टारगेट हम लोग प्लान नहीं कर सकते। इसी स्विंग के अंदर मार्केट रह सकता है, परसों एक्सपायरी आएगा तो डेफिनेटली इसी रेंज के अंदर क्लोज हुआ, दैट मीन्स हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर कल
नीचे की तरफ आ गया तो एक्सपायरी थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है, क्या ये 300 से लेकर 600 इस रेंज के बीच में अगर क्लोज दिया तो फिर बाइंग के लिए मोमेंटम आ सकता है। सेलर ट्राई करेंगे यहाँ से तेजी से नीचे लेके मार्केट आने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, 3 से 4 दिन हो गया सेलर ट्राई कर रहे हैं इसको नीचे लेके आने के लिए, लेकिन कंटिन्यूसली आ नहीं पा रहा है। दैट मीन्स अगर कल आएगा मार्केट तो इट शुड बी फास्ट और हम लोग को पता चल जाएगा कि नहीं हाँ एक सेलिंग का मार्केट आ रहा है। मार्केट थोड़ा सा और करेक्शन होने के बाद या एक दो के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। निफ्टी अगर देखेंगे अपने आपको होल्ड किया है और ये एक साइन होता है, बार बार मैं आपको बताता हूँ, अप ट्रेंड में मार्केट आपको हाथ में आता नहीं है, इसलिए इन्वेस्टिंग करना जरूरी है। क्योंकि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चलता है आपको ओवरनाइट गैप देखने मिलते हैं और जहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे ऑलमोस्ट आज गैप था, परसों भी गैप था, यहाँ पर भी गैप क्रिएट हुआ था, समय अराउंड इसी लेवल पर भी गैप था, ये दिन भी गैप था, ऑलमोस्ट यहाँ पर भी दिवाली है मुहूर्त ट्रेडिंग था, यहाँ पर भी गैप था, उससे पहले भी ऑलमोस्ट 4-5 डेज से मार्केट ऑलमोस्ट गैप ही क्रिएट कर रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ स्लो एंड स्टडी शिफ्ट हो रहा है। अगर हम लोग ओवरनाइट देखेंगे 17,500 से मार्केट ऑलमोस्ट 18,200 के आसपास आ चुका था, ये कंप्लीटली गैप में, इंट्राडे में बहुत बड़ा टारगेट मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ गैप क्रिएट कंटिन्यूसली कर रहा है। दैट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ बुलिश मार्केट, तो हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन 18,000 इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर एडिशन। अगर इमेजिन करो कि नहीं कल जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 4-5 डेज अगर गैप अप खुला है तो एक प्रोबेबिलिटी ऐसा आएगा कि नहीं मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, तो एक या दो दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 18,000 विल बी द वेरी गुड प्लेस टू ऐड पोजीशन। हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो फ्रेश शॉर्ट होगा बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि नहीं हाँ पोजीशन ऐड करेंगे ये पुल बैक के बाद, तो वेट करते हैं किस तरीके से कल मार्केट ट्रेड करता है। चांसेस आर वेरी है कि नहीं गैप डाउन खुल जाए, अगर गैप डाउन खुलता है तभी प्रोबेबिलिटी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि हर दिन मार्केट गैप अप खुलना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन विल सी कि नहीं मार्केट किस तरीके से ओपन होगा, फिर उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग के पास रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्रेसिवली नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे मार्केट गैप अप खुला, इट्स ए वोलेटाइल मार्केट, सिमिलर हम लोग को मार्केट मिलेगा। मार्केट हम लोग को तभी अच्छा मिल सकता है जब 18,160-150 लेवल फ्लैट खुलने के बाद क्रॉस करे, अगर ये क्रॉस करता है तभी हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज वी विल टू वेट। अगर मार्केट कल गलती से 18,100 के नीचे या फिर इसी के आसपास खुलता है तो कल हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में 18,000 तक टेस्ट करे, फिर उसके बाद एक पुल बैक देकर 18,080-100 इसी लेवल के आसपास क्लोज करे, तब जाके थर्सडे के दिन हम लोग प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स कल 18,100 के नीचे अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। हम लोग का टारगेट 18,020-30 ये गैप फिल के लिए होना चाहिए। अगर मार्केट तेजी से नीचे आ रहा होगा तो हम लोग इसको ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कल गैप अप खुलता है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा। हम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है हाँ 18,000 के आसपास अगर कुछ यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया तब हम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। हम लोग समय अराउंड 30 से 40 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हैं और एक न्यू हाई के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो बाइंग के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड अभी अच्छा दिख नहीं रहा है, 18,000 के आसपास एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। सेलिंग के लिए हम लोग 18,100 के नीचे प्लान करेंगे, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं और हम लोग का टारगेट 100 से 150 पॉइंट होना चाहिए, एक अच्छे लेवल पर यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छा एक स्टॉक है, कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा टारगेट आने वाले टाइम में दे सकता है। यहाँ पे अगर देखें समय अराउंड इसी लेवल पे मैंने आपको रिकमेंड किया था, लेकिन ये स्टॉक इस लेवल पे या कहीं पे मैंने आपको रिकमेंड किया होगा लेकिन अभी तक चला नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ एक रेंज के अंदर मार्केट जब भी मूव करेगा इट हैज़ टू बी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम लोगों ने इमेजिन करो बाइंग के लिए अगर प्लान किया था ये चला नहीं, यू शुड फील हैप्पी क्योंकि फिर से ये रेंज के अंदर आ गया है। दैट मीन्स आपका हो सकता है 10 रुपये का एसएल हिट हुआ या 5 रुपये या 7 रुपये का एसएल हिट हुआ, लेकिन द डे इट विल क्रॉस एटलीस्ट इट गोइंग टू गिव 1060-1020-40 एटलीस्ट आप ये पकड़ लीजिए कि नहीं 40-80 रुपीज का आपको ये मोमेंटम दे सकता है, विच इज़ वेरी इजीली पॉसिबल इन मुथूट फाइनेंस, क्योंकि एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है। हायर रेंज के आसपास क्लोज दिया है तो 1070 या फिर 68-69 ये सारे रेंज के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं बाई करने के लिए। 6-7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पोर्ट्स, ये इसके पास भी एक रेंज था, एक रेंज ब्रेकआउट ये होते हुए दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग प्लान कर सकते हैं बाई करने के लिए 842 या फिर 43 के ऊपर हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। 3 से 4 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा।
नेक्स्ट स्टॉक है M&M। अगर हम लोग देखेंगे एक अच्छा मोमेंटम के बाद ये थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम दिया आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी एक रेंज ब्रेकआउट दिया और रेंज ब्रेकआउट का डबल टारगेट ऑलरेडी आ चुका है, 1320-40 लेवल के आसपास से एक ब्रेकआउट हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग को प्लान करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 डेज डायरेक्शनल मोमेंटम के बाद इट शुड टेक ए रेस्ट या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या फिर ट्रेंड चेंज होना चाहिए। तीनों ही केस के अंदर यहाँ पे एक सेलिंग के साइड में पेंडिंग है टारगेट, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 1340 के आसपास होना चाहिए, तो 1352-1150 इसी लेवल के आसपास हम लोग को सेल करना चाहिए, और हम लोग का टारगेट समय अराउंड 401:2 तो मिनिमम होना चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली हम लोग को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है समय अराउंड 1320-40 इसी रेंज के आसपास। अगर बुलिश कैंडल बनाता है या फिर कुछ फ्लैग पैटर्न बनाता है तब हम लोग फिर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, एक स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पर डेफिनेटली बॉलिंजर बैंड हो गया या फिर 5 PM दोनों ही आप लोगों को दिख रहा होगा डेली कैंडल के अंदर, तो यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है तो एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। तो हम लोगों का स्टॉप लॉस समय अराउंड 7-8 रुपीज का होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट होना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।